जबकि हकीकत कुछ और है, क्या कहेंगे? प्रभम श्रीवास्तव से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है कन्नौज से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर ये बसा हुआ है गांव कासिमपुर, और यहां के बाद से लेकर आज तक बिजली नहीं आई। और आइए सीधे चलते हैं, रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पे कार्यकर्ताओं को और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मत करो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो बारात किसी की निकल रही थी, संबंध किसी का तय हुआ था, सहनाइयां और किसी के लिए बज रही थी, दान और किसी के लिए होता था, नारे किसी और के लिए लग रहे थे, थोड़ी सा गुंडा कैद भी गया, लेकिन भावर पाड़ दी और किसी के साथ दूल्हा ही बदल दिया। धन्य मैडम सोनिया गांधी, ये कांग्रेस और तब भी मलाल नहीं किया क्योंकि कुर्सी कारी नहीं थी सिंधिया जी को, लेकिन जब जनता से वादे पूरे करने की, जब किए गए वादे पूरे करने की बात कही तो सड़क को करने की बात कर रही, मैं बधाई देना चाहता हूं। देखिए कमलनाथ प्रदेश के अंदर, कमलनाथ मुख्यमंत्री और हम नेता प्रतिपक्ष कौन है? अरे जोर से बताओ कौन है? और युवाओं का नेता नकुल नाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाज और बच्चे खुशी छोड़ के अनाज करके आप लोग आ गए। इनके दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, अभिनंदन आपका। और मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस जो प्रदेश का सत्यानाश करे, आपने सही कहा बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, ओपी का दर्द आपने देखा, मिलने का टाइम नहीं है, जिनने विधायकों ने मुख्यमंत्री को चुना, चलो 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 निकल जाओ, टाइम नहीं है, चौबीस घंटा है, 26 नहीं है, चलो 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 चलो, ये विधायक की इज्जत होनी चाहिए। और जब मुझसे मिलने आए ओपी तो इन्हें सोचा होगा कि 2-4 मिनट बैठेंगे, मैं इनका बैल से ओपी दिल की बात कर ले, क्या क्या चाहिए अपने क्षेत्र के, जनता के हालचाल बताओ। ये फर्क है, प्रदेश में कहीं आपदा आती थी तो एक तरफ सिंधिया जी निकलते थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र सिंह जी भी, ये साथ भी मैं कई बार आया, ओले पाला सूखा इली चैन नहीं पड़ती थी, तब मुझ पर आरोप लगाते थे वो कांग्रेसी के थे, मुख्यमंत्री तो ओला पर्यटन पे गया है। मैंने कमलनाथ से कहा जब बाढ़ आई मंदसौर में, भिंड में, कई हफ्तों में हम गए थे, श्योपुर हम गए, सिंधिया जी भी गए, मैंने कहा कमलनाथ जी भारी संकट आया है, जरा निकल तो जाओ बाहर जनता, बोल नहीं 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 हम तो वल्लभ भवन जी के अच्छे हैं। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार तो निकल जाओ जनता के बीच में तो जाओ, नहीं पर्दे में रहने दो। हम वल्लभ भवन से नहीं निकले, हम तो वहीं रहेंगे क्योंकि ठेकेदार खेतों में थोड़ी मिलेंगे, वो तो वल्लभ भवन ही आएंगे, बाकी प्रदेश से क्या लेने का, तो प्रदेश का दर्द जानते हैं, जनता की तकलीफें जानते हैं। और आज मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी हो और चाहे कमलनाथ, जो सच को कुचलने का काम कर रहे हैं, इनने दुर्गति की है कांग्रेस की, कांग्रेस की हालत तो ये कर दी इनने, एक दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, एक एक टुकड़ा लेके भग रहे, एक कमलनाथ लेके भग रहे, दूसरे दिग्गी राजा, तीसरे अजय सिंह, चौथे सुरेश पचौरी, कौन कहां ये पता नहीं चल रहा। आपने बड़ा अच्छा किया, सही समय पर सही फैसला, कांग्रेस को छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। और एक बात और मुझे
बजे कर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता ने कह दिया हो विधायक साथियों से आ जाओ तो एक मिनट बिना सोचे आ जाए। और हाँ ये तय हो जाए कि जनता के सपनों को साकार करने के लिए, अन्याय को कुचलने के लिए, बेईमान सरकार को बदलने के लिए इस्तीफा दे दो, एक ने एक सवाल नहीं पूछा, 22 के 22 ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। भारत की राजनीति में नहीं हुआ मेरे बहनों, ये वही कर सकते हैं जिनमें हिम्मत होती है, साहस होती है, सत्य रास्ते पर चलने की, जनता की भलाई करने की। और ऐसी इस पूरी टीम का सिंधिया जी में आपका ओपीएस का और आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। जितनी योजनाएं थी बंद कर दिए, बाकी वादे की बात नहीं कर रहा, मतलब ज्यादा हो जाए, जितनी योजना थी सब बंद कर दी। और तो और किसानों का पैसा दबाए बैठे थे, मैं आया 2900 करोड़ रुपया मैंने निकाले और सीधे किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाल दिए, ये दबा के बैठे 0% ब्याज पर कर्जा शुरू कर दिया। और मेरे किसान भाइयों, सितंबर के पहले सप्ताह में 4,500 करोड़ रुपया फसल बीमा के और किसानों के खाते में डाल दिया। ये किसानों की सरकार। ओपीएस ने कहा रतनगढ़ दरिया का पानी 2300 करोड़ रुपया की योजना है, गोहर डबरा अपने मेहगांव सब लाभान्वित होंगे। और इसलिए ओपीएस अभी तो ये बड़ी सूची है स्वीकृत मांगों की, अभी ने तो थोड़ी डर डर के दी होगी, कहने वो तो कहता था 1 रुपया नहीं है, ये भी पहले तो ज्यादा मिले जेबे थोड़ी थी, इनका बताते जाओ तो बताते बताते अभी लगभग इनके क्षेत्र में अभी इसी समय 203 करोड़ 17 लाख 3 हजार के काम स्वीकृत करके मैंने दे दिए। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है महाराज, सिनेमा वही बाकी है। अभी आज जो कहा है आपने अमाइन को, आई राकेश जी बैठे, इन्हें भी विकास के बहुत काम किए, जब ये मांगते थे तब भी मैं कसर नहीं छोड़ता। आज आपने अमाइन की तहसील की बात कही है, तहसील की घोषणा हो गई, विधिवत तहसील चालू करवा दी जाएगी, कोई चिंता मत करना। गोरजी में महाविद्यालय भांजे भांजी पड़े, परेशानी क्या, खोल देंगे भाई, सरकार पर सैया और अंधेरा निजात, मुख्यमंत्री तुम्हारे लिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंडी की बात आपने कही है, रोहन क्षेत्र में उसका भी निर्माण करवाया जाएगा। और हिम्मत करके बात मोहर मांग कर बोली, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, काय को बन गया, कौन कई दिन बन जा। नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, फिल्डो सैनिक स्कूल की सौगात आप दे रहे हैं, पूरे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में, पूरे मध्यप्रदेश में, ये मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं फोन करता हूं कि नरेंद्र सिंह जी मध्यप्रदेश का मामला है, तो पंडित जी जब प्रसाद मांगते हैं तो थोड़ा सबको कोरोने के थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन जब अपना कोई आ जाए तो मूर्ति थोड़ी खुल जाती है, हम मांगते तो मूर्ति खुल जाती है, चाहे कृषि मंत्रालय की बात हो, चाहे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कभी कभी नहीं रहने दी, कोई कसर नहीं रहने। चंबल एक्सप्रेस वे का मामला कांग्रेस ने दबा के पटक दिया और भिंड तो पहले ही काट दिया, पता नहीं भिंड वालों से कौन सी दुश्मनी है, ये चंबल वाले से माफी मांगी होते हैं। और जब भिंड मुरैना ग्वालियर का नाम सुनते हैं तो उनका तो चेहरे भी कह सकते हैं भिंड वाले, ये याद आ जाते हैं। लेकिन चंबल एक्सप्रेस वे से लगा के अगर निर्माण और विकास के काम के नाम इतने हैं, आधी रात हो जाएगी। बहन और भाइयों, सत्ता के स्वर्ण सिंहासन के लिए हमने सरकार नहीं बनाई, हमने सरकार बनाई मध्यप्रदेश के विकास के लिए, मेरी जितनी चाली हो जाए सारी बंद कर दी,
कोरोना की बात कर रहे थे आप, जब मैं आया कोरोना फैल चुका, मैं मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट वल्लभ भवन में गया, अब मैंने पूछा अफसरों से कोरोना की एक बैठक हुई है, बोले अब तक तो नहीं हुई, मैं क्या टेस्टिंग का कोई इंतजाम है, बोले कोई इंतजाम नहीं है, इंदौर में हालत बहुत खराब थी, क्या इंदौर का भी मुख्यमंत्री का कोई मीटिंग ली, बोले हाँ गए थे, तुम्हें क्या मीटिंग में क्या फैसले हुए, बोले कोरोना की थोड़ी भी थी वो दोनों ने, कौन सी आई फाइवर, एक तरफ जैकलिन फर्नांडिस और दूसरी तरफ सलमान खान और बीच में मुख्यमंत्री। अब इसके लिए पैसा और समय था, एक के बाद एक फटाफट मैंने दर्जनों लैब खुलवाई और फील्ड वालों मेगा वालों सारी जनता का इलाज निशुल्क एक पेशेंट पे अस्पताल में भर्ती करने के बाद प्राइवेट अस्पताल में भी 66,000 रुपए का खर्चा आता है, पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार वहन कर रही है, हम वहन कर रहे हैं, चाय नाश्ता भोजन जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सके, दिनों रात 24 घंटे हमने मेहनत की कि पहली चीज कोरोना से निपटना है, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं, क्योंकि कोरोना में काम धंधे ठप हो गए थे, टैक्स मिलना बंद हो गया, तब भी मैं रोया नहीं, नए काम हमने शुरू किए, बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम किए थे क्या, ऐसे नहीं जोर से बताओ किए थे क्या, आज फिर विश्वास दिला रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, प्रयत्नों के परिसीमा करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, गोहद हो मेगा हो विकास की एक नई इमारत लिख के बताएंगे और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं रखेंगे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, चंबल के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, मेघाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जनता और कार्यकर्ता एक साथ खड़े हो जाए और ये संकल्प लें कि जिसने हमारा विकास रोका, जिसने हमारे स्वाभिमान को कुचला, जिसने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ग्वालियर चंबल के साथ अपमान करने की, बताइए सबक सिखाएंगे, खड़े होकर हम संकल्प लें, समर्पित आपके कार्यकर्ता ओपीएस भदौरिया को रिकॉर्ड वोटों से जिता के जीत का नया इतिहास बनाएंगे, मैं विकास का रिकॉर्ड बनाऊंगा, आप जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे, बोलिए मंजूर है, आइए संकल्प के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाके दोनों ऊंची बाज के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और ओपीएस भदौरिया को जिताने का संकल्प लें, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।